नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज को। दोस्तों आज हम आप पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर के देहरादून से दिल्ली का ये मार्ग है और कावड़ का नजारा यहाँ पे देखते ही बनता है। कावड़ का माहौल अपने आप में एक अलग ही छटा बिखेरता दिख रहा है। लगभग 2 साल के बाद में कावड़ इस बार चली है। कोविड की वजह से कावड़ नहीं चल पा रही थी, इस बार देखते हैं जानते हैं कावड़ का नजरिया क्या रहा है लोगों के नजरों। आइए बात करते हैं कुछ कावड़ियों से जो इस वक्त विश्राम कर रहे हैं यहाँ पर नेशनल हाईवे पर। आइए बात करते हैं। 2 साल के बाद में जैसे कावड़ चली है, लॉकडाउन की वजह से नहीं चल पा रही थी, तो किस तरह का कदम देख रहे हैं आप? ज्यादा है कावड़ या ज्यादा है? ज्यादा है, इस बार का बहुत ज्यादा है, पर फिर भी बहुत सुनिए बहुत सहूलियत है। शासन प्रशासन का सहयोग किस तरीके से मिल गया? बढ़िया सहयोग रहा है। और जैसा शिविर आप रस्ते में देख रहे हैं, साफ सफाई की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था भी ठीक है, खाने की व्यवस्था ठीक है। जैसे हम तकरीबन मान्यारा जी अपने दौरे से खाने, अच्छा आप अपने आप बनाकर खाते हैं रस्ते में चलते? खतरा नहीं रात का, पहले खतरा लगता है, पहले खतरा मौसम का आप देखते हैं? नहीं, पहले लूट खसोट भी ज्यादा थी यहाँ, रात में अभी माहौल ठीक है, अब एक नंबर का माहौल। माहौल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से है? सही है, हम तो मोदी को मानते हैं। अच्छा, मोदी को मानते हैं आप लोग? योगी आदित्यनाथ जी के तो व्यवस्था आपको सही लगती है? योगी तो योगी जी योगी सही है, योगी भी सही है, योगी की वजह से सारा ये हो रहा माहौल दोनों सही है। हाँ, वहाँ की व्यवस्था अच्छी है, साफ सफाई की व्यवस्था सब अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। कितने लोग चलते हैं आप लोग? कितने लोग आप लोग? हेलो, आठ लोग वहाँ पे। भाई ये देखे कावड़ का माहौल जो जिस तरह का है, अपने आप में ही देखने के लिए बनता है। बस्ती माहौल का जो मजाक जो बनता है, जिस तरह से लोग मजाक करते हुए चलते हैं, उसी वजह से ही रस्ते कट जाते हैं। यही एक कारण है कि यहाँ की कावड़ बड़ी फेमस होती है दुनिया भर में, विश्व भर में हमारे यहाँ की कावड़ बड़ी ही फेमस है, सिर्फ इसी तरह के माहौल की वजह से। हापुड़ में भी रुकने का बचपन के लिए हरियाणा वालों का टैग था, ये तो ठाकुरों का टैग है। ठाकुरों के घाट और घाट, ठाकुरों के घाट, ठाकुरों के घाट और उक्कों के घाट, उक्का और घाट। भाई ये टैगलाइन जो है हमारे ठाकुर साहब ये क्लेम कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? चालीस पचास के ग्रुप में ये लोग चलते हैं, बाकी लोग किस तरीके से देख रहे हैं भाई साहब कावड़ को? 2 साल का जिस तरीके से ब्रेक रहा है कावड़ में, तो इस बार कैसा लग रहा है? उससे बड़ा सुख कोई नहीं है, उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। रास्ते में जिस तरीके से आप आ रहे हैं, अपने पापा की जो शिविर की जो सफाई की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, किस तरीके से लेती है आप? यूपी का कारण क्या रहा है इस बार? भाई इस बार तो योगी जी के चर्चे अलग ही देखने को बनते हैं।
अंधेरा कहीं नहीं मिला है। हम तो कभी कुछ रहे तो मैं लाइट में किसी तरह की कोई असुविधा आपको नहीं है? कोई असुविधा नहीं है, पहली बार ऐसा माहौल रहा है। पहली बार माहौल रहा है। हरिद्वार की व्यवस्था कैसी लगी आपको? मौसम का हाल जिस तरीके से रहा है, गर्मी भी काफी रही है, आप लोगों को चलने में कोई परेशानी? लगातार चलते रहते हैं या रुक रुक कर चलते हैं, किस तरीके से? कहाँ से है बेसिकली आप सब लोग? हापुड़ से है। तो यहाँ से लेकर आप जल जो चढ़ाएंगे अभी हापुड़ में आप लोग चढ़ाएंगे, तो कब तक पहुँचेंगे आप लोग? 26 की रात को पहुंचेंगे, तो रात को जल चढ़ाएंगे आप? मॉर्निंग में 27 की मॉर्निंग में चढ़ाएंगे। क्योंकि शिवरात्रि तो 26 तारीख की बताई जा रही है, 27 तारीख की। अच्छा, अलग अलग जगह पे अलग अलग शिवरात्रि बने हैं। 27 के जहाँ पे ज्यादा भीड़ है, 12 बजे से 3 से 4 बजे के शाम से जल स्टार्ट होगा चढ़ने, कल 27 के शाम तक। 27 की शाम तक आप लोग पहुँचेंगे और 27 की शाम को जाकर आप लोग जल चढ़ाएंगे, सुबह को चढ़ाएंगे आप 26 की शाम को। पटियाला में आप लोग चलते हैं? बहुत बहुत बढ़िया ये है। आप लोग यहाँ पर थोड़ा आप लोग पटियाला सारे पटियाला। कौन सी कावड़ है बाबूजी आपकी? ये बड़ी कावड़ है। बड़ी कावड़ है आप लोग? कितने साल हो गए आपको आज? 6 साल हो गए। 6 साल छठी कावड़ है आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। भाई कावड़ का माहौल देखिए, इसे ही कहते हैं, ये है कावड़ का माहौल। नेशनल हाईवे 58 पर अभी है हम लोग, दिल्ली से देहरादून का ये मार्ग है और कावड़ का माहौल अपने आप में ही देखने के लिए मिलता है। हालांकि अभी भीड़ कम है, दोपहर का समय है, सभी कावड़िए विश्राम कर रहे हैं, मगर शाम जैसे ही होगी, अंधेरा जैसे ही होगा, ये लोग फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। चोगामा की आवाज़ के लिए मुजफ्फरनगर से संवाददाता निखिल गुप्ता की रिपोर्ट।